गवर्नमेंट हाई स्कूल दुखाराय बहादुर लग रहे थे। उस तो बाद सऊदी अरब चला गया, 5 साल सऊदी अरब रहा। उस तो बाद मैं वापस इस वक्त पाकिस्तान आया। मेरे दोस्तों मेरे यंग पार्टी मैंने मजबूर किया, पहले साहब तुम मेहरबानी करो, असं इन्ना पुराने सियासी सियासत तंग आए हैं, तुम सा काम नहीं करो तो इलेक्शन हिस्सा लो। मैं अज आवामी पिंड में वर्कर बन गया इलेक्शन लड़े ना। मैं समझा कि मैं चेयरमैन बन गया तो मैं मेरी शान उची जाएगी। सिर्फ मैं अपने इलाके नहीं और आवाम नहीं खिदमत वास्तव इलेक्शन लड़िया। इस वास्तव मैं इलेक्शन लड़ा कि मैं अपने इलाके ने तफाई आम काम करा, खिदमत करा, बजुर्ग ने तराम होने से करा। बहादुर डिग्री कॉलेज बच्चिया नहीं होना चाहिए, इन्होंने जरूरत नहीं है। उन्होंने मुखालत करने के बावजूद साढ़े भाई बड़े बरेली साहब वकार साहब डिग्री कॉलेज मंजूर करा दिए। जितने सियासी ने एम एल ए साहब कोई भी होया साढ़े इलाके ने मतलब कोई सोच बाकी असर कमेटी बनाई छुटकारा बहादुर नहीं कोई रफाई आम कम हो सारी कमेटी खुद करानी है। कोई सियासी वड्डा ना एम एल ए ना एम पी ए ना भी तवज्जो देना सा छुटकारा बहादुर से ना इधर चक्कर ला लैन ना कोई फंड जारी करना सा छुटकारा बहादुर वास्ते, क्योंकि छुटकारा बहादुर ऐसा पिंड है जब कम अज कम 7,000 वोट है तो वोट लैके नस जाने दोबारा सलाम लैना भी दोबारा नहीं समझने। नहीं राय साहब इस तरह क्यों करते हैं? असं तो सुनने के इलाके यादव साहब ने बेशुमार तरक्याती काम करवाए हैं, लेकिन तुम अर्ज कर रहे हो कि झूठा राय बहादुर नज़रअंदाज किया गया। सर यही वजुआत कोई दसोगे पिंड झूठा राय बहादुर क्यों नज़रअंदाज किया गया? क्यों नहीं फंड पिंड दिए गए तरक्याती फंड नहीं दिए गए जो मिसाइल से उन्होंने हाल नहीं किया गया? सर झूठा राय बहादुर ने कमेटी बुजुर्ग 10 बंदे चौधरी आबद साहब को दे दिए। ठीक है, चौधरी आबद साहब कहा कि तुम्हारों डिग्री कॉलेज में जरूर देनी है। उन्होंने साढ़े पिंड कट किया, पिंड बुजुर्गों यंग पार्टी ने घात किया, ब्रिगेडियर साहब भी बुलाया, ब्रिगेडियर साहब ने कोशिश न डिग्री कॉलेज मंजूर हो गए। तो सियासी लोग जितने झूठा राय बहादुर की मदद कर रहे हैं गुजरात हुई तो मुश्तरक हुकूमत कह सकते इतिहादी कह सकते इन्होंने तो फंड दिते ने 2.5 साल 3 साल कोई एक रुपया फंड नहीं है। यानी ये भी काफ लीग भी थोड़ा जो सुतेला पानी इस्तेमाल कर रही है। इंशाल्लाह
ਕਾਫੀ ਲੀਗ ਲੀਗ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾ ਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਖਾਲਦ ਫਾਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਤੋਂ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਰਾਜਾ ਖਾਲਦ ਫਾਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਾ ਖਾਲਦ ਫਾਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕੈਸੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਨੇ ਕੀ ਖਿਆਲਾਤ ਨੇ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ जनाब राजा खालिद साहब साबक उम्मीदवार चेयरमैन ठूठा राय बहादुर साहब ठूठा ने है तो जनाब बहुत अच्छे आदमी ने जी सवेरे भी फोन करो राती 10 बजे 11 बजे ये जनाब फोन करो थाने का कचहरी का अस्पताल का काम है उस टाइम उपर तो बहुत अच्छे इंसान तो आएगा इन्होंने चेयरमैन बनाना चाहिए जी नाज़रीन ठूठा राय बहादुर तो मुमताज सहाफी ने ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵੀ ਨੇ ਰਾਜਾ ਅਮਰ ਭੰਗੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਭੰਗੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਖਾਲਦ ਫਾਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਹ ਕੈਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਜੀ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਜੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜਾ ਖਾਲਦ ਫਾਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਵੀ ਨੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਾ ਬਸ਼ਾਨਾ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਕੈਰੀਅਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ ਔਰ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਖਿਦਮਾਤ ਖਾਸ ਕਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਖਿਦਮਾਤ ਹਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਮੁਖਸਰ ਕਿ ਰਾਜਾ ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਵਿਲੇਜ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ